संतरा है ना। और इस संतरे को जब पानी में डालूंगा तो क्या होगा? डूब जाएगा। और इसको डाले तो डूब जाएगा कि तैरेगा? डूब जाएगा। ये देखिए संतरे कैसे हैं? तैर रहे हैं। ठीक है, संतरा तैर रहा है ना, हमने देखा। चलो अब इस संतरे को मैं खा लेता हूँ। बहुत तेज भूख लगी थी, मैंने कहा एक्सपेरिमेंट भी दिखा दूं और साथ ही साथ संतरा भी खा लूं। अब इसको पानी डाल के क्या होगा? और ये पानी में डूब गया है ना, पानी डूब गया ना। यस सर। तो ये पानी में ये तैर रहा है, ये ऊपर डुबाने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये नहीं डूब रहा, लेकिन ये डूब गया है ना। तो ऐसा क्यों हुआ कि जब इस सिरके को छील दिया तो ये पानी में डूब गया? ये दो कंडीशन है ना। yes, जब ये संतरा बगैर छिला था है ना, तो इसने क्या किया, अपने भार के बराबर जल को विस्थापित कर दिया होगा है ना। और ये ऐसा नहीं कर पाया, क्यों? क्योंकि इसका घनत्व कम है। इसका घनत्व क्या है? ज्यादा। यहाँ पे छिलका ऊपर बाहरी आवरण में चढ़ा हुआ था, जिसके कारण इसका घनत्व क्या था? कम। और इसका घनत्व क्या छिलका हटा दिया? ज्यादा। इसलिए ये क्या हो गया? पानी में वस्तु तैरती कब है? जब वो अपने भार के बराबर द्रव को विस्थापित कर देती है, तो घनत्व पर निर्भर करता है ना। तो जिसका घनत्व ज्यादा होगा डूब जाएगा, और जिसका घनत्व कम होगा तैरेगा। तो डिपेंड करता है कि वो अपने भार के बराबर द्रव को विस्थापित कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है ना।